मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे आप सब, मैं आपका अपना दीपू पटवाल स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आज के इस न्यू ब्लॉग में पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों से। आज जो वीडियो की शुरुआत हो रही है वो थोड़ा धीमे तरीके से हो रही है। उसका रीज़न ये है कि हमारा कुकी था, उसकी कल डेथ हो चुकी है। बीमार था वो एक हफ्ते से, कुछ खाया पिया नहीं उसने, उसकी डेथ हो गई। क्या कर सकते हैं, मैंने पूरी कोशिश की थी पर मैं बचा नहीं पाया उसे। बहुत प्यारा कुत्ता था यार। चलो अब जो हो गया क्या कर सकते हैं। तो आज का दिन है, आज हम जाएंगे हल लगाने। आज मुझे बैलों की जोड़ी मिल चुकी है तो आज जाऊंगा मैं हल लगाने। तो चलो ले चलता हूँ आप सभी को फिर से खेतों में। तो आज मुझे लग रहा है सिमड़ी में NSS का कैंप चल रहा था और वहाँ आज लास्ट दिन है। मुझे लग रहा है भंडारा हो रहा है। भंडारा बोले तो बड़ा खाना, कैंप में हमेशा ना बड़ा खाना होता है लास्ट दिन। यहाँ होता होगा कि नहीं होता होगा NSS में, पर जब मैं NCC में था तो हमारे टाइम पे होता था। आज इलेक्शन का भी रिजल्ट आने वाला है तो सारे लोग TV खोल के बैठ रखे हैं, देख रहे हैं कौन सी पार्टी चल रही है आगे पीछे। मजे पड़े लोगों के और मैं जा रहा हूँ हल लगाने। मुझे तो जाना है क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो मुझे बल्द मिल रखे हैं। अच्छा तो फाइनली मैं अपने खेत में पहुंच चुका हूं। ये वाला हमारा खेत है, दो नीचे और है, एक साइड में है। इस वाली सारी में हमारे बस चार या पांच खेत हैं, सारे बंजर हो गए सारे। हमारे छोटू भाई हल लगाना स्टार्ट कर चुके हैं और मम्मी और भाभी लोग भी पहुंच चुके हैं खेतों में। जो बैल हैं इनको भी लगाने का एक तरीका होता है, ऐसा नहीं कि किसी भी साइड चिपका दो, इनके भी साइड होती है, एक राइट साइड लेफ्ट साइड इस तरीके की इनकी साइड। अगर बैलों को दोनों को सही साइड नहीं जोड़ा गया ना तो ऐसा खींचते हैं ना आदमी को, बिल्कुल फोंप 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 आप निकाल देते हो। इसलिए बैलों को सही साइड जोड़ना रहता है। खेत काफी कड़गड़े हो रखे हैं, वो तो हमारी किस्मत ठीक है, आज की धूप नहीं है ज्यादा, हल्की हल्की धूप है, बिल्कुल मस्त मौसम हो रखा है। पर जो खेत है बहुत कड़कड़े हो रखे हैं, हार्ड हो रखे हैं यार, बहुत दिक्कत आ रही है बहाने में मतलब लगाने में। और दो खेतों में हल लग चुका है, अब तीसरे खेत की बारी है। तो खेतों का हाल कुछ ऐसा है, बहुत कड़गुड़ हो रहा है भाई, बहुत कड़गुड़ हो रहा है भाई, क्या बताएं। अब तो घाम भी लगने पर गया हल्को, आप बता नहीं। अरे डांगा रे बदे सरिया फांगा, रुक जा ना जाने सुड़ो तोड़ के, ओ ना जा ना जाने सुड़ो तोड़ के, तल पुंगड़ी पोड़ जाऊंगा मैं पुंगड़ी कैसे बाऊंगा, तल पुंगड़ी पोड़ जाऊंगा मैं पुंगड़ी कैसे बाऊंगा, अरे ना जा लठड़ो टोड़ के। घर में आप चाय में सौंफ, सुपारी, अदरक, इलायची, कितने भी प्रकार का आइटम डाल लो, जो चाय का स्वाद खेतों में आता है ना हल लगाते टाइम, ऐसा स्वाद कभी नहीं आएगा। एनर्जी बूस्टर का काम करती है चाय। सुरभाई कन चिता रहे हो, कस चिता रहे हो सुरभाई? हाँ जी, क्या चिता? हाँ भाई, जय किसान। कन चितानी चाहिए, दुई पूड़ा बायली मिलती, कुछ नहीं बाय जरा बिना अकोरे जरा लगा। बहुत हो गया भाई चाय पानी, बस जरा बांध छो तो घर पे जान गांव मुड़ो। हरी हाँ हाँ भाई, सुर का जल लगा यार कुटुल, तो घर पे तो जान टाइम हो गया।
लगाते लगाते गर्मी इतनी हो रही है कि पानी दो दो बोतल ख़त्म हो चुका है। वो तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, पहाड़ों में ना हर रोले में तुम्हें पानी मिलेगा, पानी का स्रोत है यहाँ, बह रहा है। अभी पहले मैं वहाँ से पानी लेके आता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर पानी आता है। पहले हमारे यहाँ पर फील्ड था, इस रोल को हम भंगरो रोल बोलते हैं। अब यार यहाँ तो पत्थर ही पत्थर हो रखे हैं, पूरे सड़क ने पूरे पत्थर दबा दिए, यहाँ मतलब पूरे खेत दबा दिए। अब यार क्या हो गया, गिर क्यों रही है तू? बोतल व्यास से छूट रही है, डर नहीं रहेगी हाथों भर हैं कत बिना। कई जगह यहाँ ना बड़े बड़े गधेरे होते हैं, पर हमारे यहाँ गधेरा नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे रोलो रोलो से हल्का हल्का पानी आता रहता है, क्योंकि जो हमारा गांव है ना वो काफ़ी हाइट पे है। मैं पानी के सामने पहुंच चुका हूँ, पहले मैं पानी भर लेता हूँ आराम से। हैं पानी तो भर लिया मैंने, पानी इतना भरा नहीं जितना मैं भीग गया हूँ। अरे ठंडो मेरा पहाड़े की हवा ठंडी, पानी ठंडो हो। पता गर्मियाँ बढ़ रही है ना तो पानी, सर्दियों के टाइम में तो इतना ठंडा होता ना, फ्रिज भी फेले हैं यहाँ के पानी के सामने, पर अब गर्मियों का टाइम आ चुका है तो पानी नॉर्मल हो चुका है। पता गर्मियों में धार के नीचे नहाने का मजा ही कुछ अलग है। हाँ भाई क्या हाल है, कहाँ घूम रहा है यहाँ तो? अरे क्या हो गया, कैमरा है भाई, कहाँ खाएगा क्या? ये बकरियाँ भेड़ बकरी सारे हमारे यहाँ ऐसे ही छुड़े रहते हैं, बाघ का कोई डर नहीं है सुबह, पर शाम को साला बाघ आएगा ना, बना देगा इनका कबूतर। इतना पानी मैंने भरा नहीं जितना मुझे भिगा दिया इस पानी ने। अरे यार रोलो रोलो से जाना पड़ रहा है, अभी जरा सा भी मेरा पैर फिसलेगा ना, पैर का डमरू बन जाएगा यहाँ। ये लो जी पेश है आपके सामने धारों का ठंडा ठंडा पानी, ये लीजिए जी पिए। एक बोतल और है, ये लीजिए भाई साहब आप पानी पिए, थोड़ा हम लगाते हैं हाल, आइए हमारे पास। माँ लास्ट च ना, एक और चिका अभी। अरे यार अभी एक और है, 12 बज गए यार, पता चार हो गए, चार तो यहीं पर हो गए, अभी दो ऊपर हो रहे हैं हमारे। टोटल हमारे ज्यादा नहीं है, 6 खेत है बस। इस वाली सारी में ना, नीचे वाली सारी में जो गांव से नीचे है उसमें हमारे 6 खेत है, और जो गांव से ऊपर वाली सारी है उसमें हमारे 1, 2, 3 बस 3 खेत है बस। अब इतनी खेती कोई नहीं करता यार, पता सबके ऐसे ही है। तल्ले सारे में अगर 4 खेत होंगे तो मल्ले सारे में 3 खेत है, भाई इतने ही बचा है, कोई नहीं करता ज्यादा खेती। करेगा भी कौन यार, जितनी खेती हमें मिलता नहीं खेती से उतना तो नुकसान साला स्वर कर जाता है, तो कैसे करेगा आदमी। और जितना बचा है जो स्वर छोड़ देता है वो नुकसान साले बंदर गुणी बंदर कर देते हैं, तो बुरे हाल है यहाँ बंदर गुणी के भी है। एक संस्था बनानी पड़ेगी ना इनके लिए, अरे जो ट्रक में भर के वहाँ छोड़ के आ जाने थे इन्हें, कहाँ दिल्ली में। हमारे यहाँ खेती में कुछ खास होता नहीं है, पर जो मिर्ची की खेती और जो पहाड़ी दाल होती है ना छिमी रहे हैं वो बहुत अच्छे होते हैं हमारे यहाँ। अगर आप सभी को ध्यान हो पता बोलते हैं ना कि कभी कोई हार्ड काम हो, कोई ज़बरदस्ती करे ना और उसका मन नहीं हो काम करने का, तो वो बोलता है ना मेरे मूड़ी महल थोड़ी देर से, तो वही है, तो ऐसा रखते वो हेल, तो ये है वो पोजिशन जिसको बोलते हैं मूड़ी में हेल रखना, ठीक छ। अरे डाली माँ कुछल बल छल कत ना, मेरी मूड़ी में हेल धरियो कहत बतना। चार खेतों में हल लग चुका है, लास्ट वन,
लास्ट वाला खेत बचा है, उसके बाद घर चलेंगे। भूख भी लग रही है तगड़ी वाली, बैल भी थक चुके हैं और जो हल लगा रहा वो भी और मैं भी। पता अगर हल लगाने वाले बंदे दो हो ना तो पता नहीं चलता कि हल कब लग गया है, बस पता किसको चलता है, जो बैल होता है बैल को ही पता चलता है। लास्ट वाला खेत है, इसके बाद घर चलेंगे। हमारे यहाँ पता अखरोट के पेड़ हैं, सारे अखरोट भी बहुत होते हैं हमारे यहाँ। तो पता है इन अखरोटों के चक्कर में बचपन में इतनी गालियाँ खाई है, इतनी गालियाँ खाई है बता नहीं सकता आप सभी को। पर पता क्या बोलते हैं हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग, बोलते हैं कि गाली देख लोड़ा नहीं मोड़दा और तात पानी कूड़ा नहीं फूकेंदा। तो क्या फर्क पड़ता है, देता रहो गालियाँ, बचपन से गालियाँ तो खाइए। अच्छा वह पूरे क्या की, वाह यार तू तो शेर छ यार, चलता मेल चलता सो घर है ले पाल छ ले जाना है। चल बाय सुरका घर चला सकेगा भारे। पांच खेत है हमारे, पांचों खेतों में हल लग चुका है, ये वाला ये लास्ट बचा है, इसको अगले दिन देखेंगे जब बुताई शुरू होने लग जाएगी। पहले को पहले पानी पिला देते हैं। ख्याल उल पांड आज बहुत मेहनत की है इन्होंने, आज इनके लिए इतना सारा घास डालना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत की है इन्होंने। ओहो तो फाइनली मैं घर में पहुँचा हूँ, सुकून। क्या हाल है टर्रा सिंह, ठीक है? ओहो आराम करते हैं क्योंकि यहाँ पर रहता था कल तक, जिंदा था जब तक। बहुत बुरा लग रहा है यार, बहुत बहुत दुख हो रहा है, कैसे चला गया यार। तो घर में पहुँच चुके हैं, बैलों को भी बांध दिया है छन्नी में, घास भी रख दिया उनके लिए, वो खाएंगे। अब हम भी थोड़ी देर में खाना खाएंगे। तो बताओ फिर कैसी लगी मेरी छोटी सी वीडियो, अगर ये मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलता हूँ फिर आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।